श्री भोमिया जी महाराज की जय हो। तो वह सरवंडी स्त्री सरवंड शास्त्र में मिथिलापुर आवे ब्याह करके और सरवण जके रोहे जो गोस्वा मकान देखे निगे करे ध्यान करे भाई इरो काई ढंग ढांस है किया इरो लेन देन है तो बा पूरो है जो वो तौर तरीका है जगह समझने की कोशिश करे है और अठे कवि है जो काई लिखे है और कई बातें आभार कहो सर आभार कहो जी अरे धर के देखे ओ ध्यान ए बात तू थोड़ी सी छान आ देख थकी ए राई रे देख तक राई जी पटरी बाकी मुझे क्यों जाई भगवान की भोमिया जी महाराज की धरके देखे है ध्यान और कुटोड़ी सी छान और के बाद एक चकराई अरे कोई जुलम किया है मेरे माँ बाप जो को मन इसे घर में अरे महाराज कोई जुलम किया मारे माथी था जो को मन एड़ो घर देखियो मारे खादर एरबा सरवण ने कहे के तूने पहला ने की नहीं बात थारो क्यों ई नळर ओ डोळ हो तंते मने जो को पहला बात क्यों करी तूने पहला ने की नहीं बात और के अंधा है पीतू मात उने देख उने क्यों महाराज ए है जगह डेण और डोकरी दोनों है जगह ए भी है जगह अंधा है और हेवा कुन करी हां तूने पहला ने की नहीं बात के अंधा है पीतू मात अरे वा दुख भारी एते करी है कपटरी बात जो को मुझे क्यों लाई ते ओ मारे साथे बड़ो भारी धोखो करियो है बा श्रवण ने कहे के मेरे पड़िया कर्म का फंदा
अरे मिल गया सासू ससुर दोनों अंधा, अरे दिल देख भैया शर्मिंदारी के मुझसे ना होगा धंधा क्यों थारे घर में मारूं कोई काम आज वेन कोई काल हुआ अरे नहीं जन तू यूं घर के मारे बाप रे बड़ा चल जा जो बड़े मारे बाप रे धीणो गुण ही है अरे चोखी तेरे दोनों भक्त है जो गाय रे दूध री खीर करतन है जो जिमा हूं अरे बढ़िया काम जची और कोई आंधी ने आंध किने बरंदे जो आप ही क्यों मर्जी है तो बा श्रवण ने काई कहवे और काई कहे अरे अंधारे बंदा होता गंदा अंधा देता दुनमर लगे म्याने में तिन रेणी को
दिल ताजा गे रे यूं भावे लगे है ए म्याने में दिन रेणी कुटिल ताजा गे रे सरवन सा बेटा ज्ञान में कोई वने यो दिया गे रे सरवन सा बेटा संसारी में एक कोई वने यो दिया गे रे बोले भक्त वस्तल भगवान की जय हो। तो बात श्रवण स्त्री जगी कह रही है अंधा बंदा होता गंदा के अंधा देता जुल्म अंधा पाया और दिल घबराया अरे तू मन क्यों लायो अठ जाल बीछा अरे तू लायो अठे अरे मैं ना रहूं अठे अरे तू चाल बठे के पिवर पोचा और चाल पिवर तन गालू खीर और के थारी सारी तजबीज देऊं बड़ा तो श्रवण दिन देख कर कहे कहे ए नारी तू बोले खारी क्यों एड़ी बातों करे कहे माता पिता वास्ते क्यों है जो तुम अगर है जगे बारिया बंद है ए नारी तू बोले खारी और के अत्यारी तेरा करना क्या अरे मात पिता की के सेवा करना एक घड़ी का बदला उतरेना बाबूशा माता पिता की सेवा एक अपन घड़ी रोई है जो को बदलो कौन उतार सको आप जगह बुढ़िया बुजुर्ग हो जगह कया करो कि भाई अगर देख आपने शरीर दिए जगह पगरखी बना अरे जे माँ बाप ने पैरा बनी तो ही महाराज जी बदलो उतरे को नहीं है मात पिता की के सेवा करना घड़ी का बदला उतरे ना अरे अंधे पितु माता के देव मनाता अंधा पितु माता है जगह तुम्हारा देवता समान हो जाकर अंधे पितु माता देव मनाता के सेवा से ती पार लगा अरे ए ठाकुर जी कृपा की जो के तेरे भी लड़का हो जा आज आपों आपने जो माता पिता की सेवा कर होनी जेड़ी जेड़ी पच महाराज जगह काल ने आपना टिंगर हुई नहीं जगह बे आपों ने सेवा कर संस्कार तो महाराज वही पड़े क्योंकि आप आपन माता पिता की जगह सेवा नहीं करो जन महाराज बेटा ने बचा यूं ही जोवे भी हासु गयो नहीं बहू ने बोले बेटा हमने आ कोई है के दादी मां है जो ज्ञा प्राप्त होगा ठीक रही है जगह में बारे फेंक दे बोले बारे क्यों फेंको तुम्हारे काम ले आओ कौन बच गए थे तारी हासु दी हेवा करता गड़ी बड़ी थोड़ी करो तो संस्कार तो बेड़ा ही परे महाराज तो श्रवण भी ने कहे आज आपने माता पिता की सेवा करो काल ने आपो रा बच्चा होई जके महाराज इसी पर आपो ने सेवा करी क्यों देखा है की होई ए ए ठाकुर जी के कृपा की जो तेरे भी लड़का हो जा अरे जन्मे कन्हैया बटे बधैया और के मैया मन में मोज बड़ा अरे कीचड़ पर तो मैया सवेरवा सुखा देवी तले बिचा ओ जको पोरो महीनो है जके रमो पच आप मां बाप नहीं हो गांव को थे मारे कोई करियो हैं बड़ी वारी भूल है आपन लोकां दी यार कई तो भाग भला एड़ा ही है जकी मां नहीं हो के कहते नौ महीने जो को पेट में राखियो तो कोई यो थार कमरे रो किरायो ले ले दरकार रे थोने दुष्टो हैं हां ओ जो को कोरो महीनो है जके रमो मां बच्चो है जो को वस्त्र गीला करे जन महाराज मां है जकी पी आलेड़े रमो आप होवे अभी बच्चे ने जो शुक्र मां सोने भी इने जो कदी ठंड नहीं लागे अरे पछ भी मां बाप ना पायो क्यों जन महाराज के कीचड़ पर तो मैया सोवे सूखा देवे तले बिछा अरे पाल पोष के हुआ होश और चढ़ा जोश तब दीना ब्या अरे नारी खोटी लहर लगा दे अरे बा सासू ससुर ने दे छिटका अरे चाहे ज्ञान घोल कर पाऊ पर कड़ी हारी नेदा नहीं लिया श्रवण भी ने जो घणो ही प्रकार समझावे पण मारा चोपड़ू घड़े छांट लागे थे जो बीर छांट लागे कह यू गाव लगे है म्यान में और दिन रेण कुटिलता जागे बिर तो दिनों दिन है जो बा कुटिलता है जकी मां घूमे श्रवण सा बेटा संसार में के कोई हुआ न होसी आगे भी विचार करियो कई दिन या जने के भी अपन ओ इयो तो सेवा करन देखो आपो कोई युक्ति अपनाओ क्योंकि जगो ही दी आंगली होगी नहीं निकले नहीं टेढ़ी करनी पड़े बाबू सा आंगली तो बात कहीं करे है कि एक दिन मौको देख करके और पड़ोस रे मां कुंभार रो घर है अरे बड़े कुंभार रे घरे जावे और जा करके और भी कुंभारी ने कोई के बड़े मीठे शुरू बोले है एर कनजार बैठे राम जी राम करे पग सौंपी करिए कई तान ये कुंभारी विचार करी बातों कदी आई कुकरिया करे नहीं बिननी तो आज हागिड़ी या तो पगों ने दगों ने अरे हागिड़ा ले मिले तो बा कुंभारी ने कहीं कहे और कहीं बात बने आभार कहूं सर
अरे गई है कुमारी पासी, ओ धर्म की सास। बोलो के पगर वाली हासु तो यूं ही अड़ी के अठ धर्म री सास है। अरे मेरी तू ए माई, मेरी तू माई दी महाराज, ये कुमारी मेरी माई, ए जी कुमारी मेरी माई, आज पढ़ जो तारे से काम ये कुमारी, पढ़ जो तारे से काफी काल में आई। भगवान की गोप सिंह जी भोमिया जी महाराज की गई है कुमारी पास, अरे धर्म की है सास और मेरी है तू माई, और के आज पड़ियो थारे से काम और के में चाल कर आई। बा कुमारी कहे भाई बीननी ई तो कोई काम पड़ियो है जोगा तू है जगी बात कहे बने। बोले बात थोड़ी गांव गेरी ज्यादा बोले इंद्रण सिंह जी, बात यो है के अठे दीतो रीज कौन होए मौसा तो लाग्यो मैं आलो जन कुमारी विचार के भी बात तो कोई गहरी है कोई थावी गई। अम धीरे से एक बात कहे के मैं ई वास्ते आई हूं के दूसरे आगे तो बात करनी को है नी, एक थे जो को इसी मन ऑंडी बना दो जो को ऑंडी तो है एक एरमा पार्टीशन गाल दो क्यों 4 इंच मो पड़ दो है बारू एक लागे माऊ है जो को दो है एक आंडी तुम गड़ दे मोय और के पर्द रखो दो और करो चतुराई काम चतुराई में करनो है ए तू मुख मांगियो ले मोल और के संग में लाई तू कई जों दे बोले ई डळ रंदा काम कराए जन बा कुमारी बोली पछ पैसा तो मुंडे रे मांगी लागी तेरी बात उठाई है बोले दो नंबर धंधो करावे तू ब्लैकमेल। हां तो अब बा कुमारी है जगी
साग चालू करियो है और आंडी बना करके तैयार करी है और ले आंडी घर पर आई और के चूल्हा पर दी चढ़वाई, एक तरफी के खीर बनाई और एक तरफी राबड़ी बनाई, एक तरफी जो तो का बासमती चावल रखे पंजाब वाला एर महाराज बढ़िया है जगी बाकड़ी बाकड़ी जगी गायों है जगी और दूध निकाल एर खीर बनावे बढ़िया एर एक पास ही है जो खाटी छाछ जगी पलनो खूं खावे नी आउन बाव देर मां जहां बा खाटी छाछ खूं खावे जड़ी खाटी अरबी ने गाल करके गुजरात वाली बहादरी दू फाडो दड़ी उदल अरबी पासी है जो महाराज बा राबड़ी बनावे अम कोई है जो सुसरे सासुरी सेवा पड़ाई है पेल पोत बहुनी बटे जगह बाबू सा हुसरे विच करे और कई बात है देखो अबार क्या हूं राम सिंह जी अरे पहली थाली राब किले ओ पहली थाली राब किले सुसरे ने जलाई है
आए दूजे दिने देखो आए दूजे दिने सरवण एक अकल उपाई है आ आप की पुरसोड़ी थाड़ी पिता ने जलाई है अरे पिता वाली थाड़ी सरवण आप कर काई है ओ मायो रिश्ता पर तो खटी राबड़ी लगाई है बाजो रेसा बड़को खाटी रा बड़ी बैठाई है ओ दादा ये हत्यारी नार तेरी कटुड़ाई है अरे अंधे बाजर बाप मेरा रा बड़ी खिलाई है अरे पावे भी करनी का फल जैसी कह कमाई है जाने में क्यों जान पड़ी अण जाने में ओ तेरा करया करम सब यागे रे जान पड़ी अण जाने में तेरा करया करम सब यागे रे सरवण सा बेटा जाने में ओ कोई माने ओ दिया गे रे सरवण सारे में एक कोई हुआ नहीं होती आगे अरे भक्त और भगवान की भौमिया जी महाराज की पहली थाली के राब कीले सुसरे ने जलाई है और दूजी थाली राब कीले है जो सासु ने जलाई है मोटुड़े कानाली है जगी थालियों राख थी और गुड़गुड़ी कर जला देती तीजी थाली के खीर कीले पति ने जलाई है सरवण ने है जो प्रसन्न लागे भी कैमरे में वो चमचो है जो मेरा ई पार्टीशन में गाले और चौथी थाली के खीर कीले आप सर का ही है इयो करता करता वो सिलसिलो चलतो रियो और एक दिन सरवण बिने पूछे है के तू मारी मारी सेवा करे काकी तू ही थोड़ो घणो की खावा पियो करिया कर जो शरीर में ठीक रहे बोले हूं पतिव्रता स्त्री हूं और सब ने दिमा करके और मैं बाद में भोजन करूं क्यों को करें महाराज डाउड़ा तू जिम थी और ला रहे जो 2-2.5 किलो खीर बस्ती जो हैगी नहीं गोविंद ने नवन में कर जावती एक दिन सरवण आप पिताजी ने कहे बोले पिताजी भैया जग दिन लायो जन क्यों किया कर रही अताड़ पताड़ यार अब है जो बढ़िया अपनी है जो ग्रस्त चलावे है यार बढ़िया है जो कि दोनों वक्ता आपा ने है जो को चौकी तरह भोजन करके जिमावे है यार एकदम क्यों शांति पूर्वक काम है जो को जमियो सरवण ने पिता दे कर के बोले बेटा बात क्यों है जठी पड़ी राम दे ठीक है जो मारे मन में ही पड़ी है हां बोले हे सरवण का पिता सुन तू सरवण मारी बात अरे क्यों थारे परण्या पछे बेटा खीर कोन्या लागी आ थारे पनीजणे रे बाद रेवा जे ई आबे रात लागी नी तो खीर दे लागी अरे खाट हां खाटी खाटी क्यों राबड़ी से दूख बा लागे है दांत मारा तो क्यों खाटी राबड़ी में जो दांत है जगह पड़न वाला है सरवण देख रे क्यों पिताजी कितनी बढ़िया है जो की बिचारी सेवा करे अरे थे है जो क्यों बड़ो बारी अपमान कर रिया हो आ बोले ए श्रवण कुमार थे सुनो पिताजी मारी बात आंख्या सुखाना दी से कोनी नहीं ये मैं थारे कोनी ज्ञान जके सूरदास री है जकी आंख्या फुटुड़ी वे जके ये चांदनो या करे थारे तो क्यों है जको यूं ही फुटुड़ो है दोनों वक्ता है जको खीर खाओ और बिचारी रो बड़ो बारी अपमान करो जन भी श्रवण पिता ऋषि शांत सुन दे करके बोले बेटा ए मारे आंख्या है जकी
मोड़ी फूटी क्योंकि थार हिर का बेटा दरमियानी जड़े आंखें फूटी महाराज पहली मार आंखें ही क्योंकि ई बात रो कारण है सरुंडे पिता ऋषि शांतवन और ज्ञानवन की जगह टेमर में पनीज राया भी टेमर में देसे भगवान राम जी रे कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज वैसे ही अलग अलग जाति रमा और बाबूसा अलग अलग है जो कुल गुरु तो वही है जन कुल गुरु रो आशीर्वाद लेना जरूरी हो जन सरुंडे दादोसा सरुंडे माता पिता ने देख करके बोले अपने कुल गुरु आशीर्वाद लो जन भी ऋषि रो एक पग हो जो को बड़ो ही विचित्र और बड़ो ही महाराज खराब हो जाकर हमेशा लिए लोई और रस्सी है जो को चलतो रहो तो जन आ जो ही जाकर के और दोना है जो को यूं प्रणाम करन करियो नीचे देखो और आगे वो पग भी डाल रो दिशो अन बड़ी बारी है की घृणा आई हम अगर जे पगो नहीं लागे जन ऋषि रो अनादर एर लागे जन महाराज बने घृणा आउड़ी जन दोनों आंखियां बंद करके और वो पगो रे हाथ लगायो जन ऋषि तो अपन था है कि गटगटरी जानने वाला है त्रिकाल यज्ञ महात्मा व्या करे ऋषि बट क्रोध मार श्राप दे दियो क्यों थे आंख मूंद करके और मारू मैं जो सुगिया करी मारू गणना करी है जाओ थे अंधा हुआ जन सरुण रे दादे भी देख रही क्यों बोले महाराज ये तो कौन था अज्ञान अबच्चा है पर आप तो ऋषि हो और आप परमात्मा की कृपा करो जन भी देख रही क्यों बोले महाराज अब तो यूं है कि और एक पुत्र हो अरे वो पुत्र आने चारों धाम रहा है जगह तीर्थ करार ले रहा है अरे जारी रिमा चारों धाम रो जल ले रहा है अरे पाचो आठ मिथिलापुर में आकर के आंखें ना मतलब जल रहा छोटा दही भी थे मेरा मारी आज पाचा नेत्र है जगह खुल जी जीते ए ऑन दाई रहे जन दोना है जगी वन में जाकर के और भगवान विष्णु की भक्ति करी जन विष्णु भगवान प्रकट होकर के और बठी तो गौवा चरावता अरे बठी महाराज भक्ति करी जन विष्णु भगवान प्रकट हो और क्यों बोले महाराज मांगो बोले पुत्र प्राप्ति रो वरदान चाहो महाराज जन मैं पहली आपने बात चाली के महाराज ऋषि रो श्राप झूठो जावे कोनी जन भगवान विष्णु देख रहे कोई बोले पुत्र तो थोड़ा होई पण महाराज जगी टीम पुत्र उठने मोई बी टीम आप दोनों नित्र इन हो जाओ जन सब देखो मैं एक बात के पुत्र रे वास्ते अरे बाप आंखें खोदी महाराज जन भगवान विष्णु देख रहे क्यों बोले महाराज अरे पत भाई बेटा है जो हम मंडे जन महाराज बस क्रोध तो आउनु ही जे जन बो देख रहे क्यों कोई बात कोनी मारो वंशज चाली यार मैं भी रिकिल कर तो जरूर सुनो जो इस सरमन रो जन्म होयो और सरमन रा माता पिता जग महाराज नेत्र हीन होया तो अटे सरमन आप रे पिता जी जो सरमन ने कहे बोले बेटा ए आंखें मोड़ी गणी फूटी मोने बजे खीदो राबड़ी उठा पड़े कोनी साथ भी सी गाया बेटा बन में चराई है अरे झूठ कोनी बोलू मन सरमन राम री दुआई है मारे शपथ ले उड़ी सौगंध खावड़ी है के महाराज ने झूठ को बोलो जन श्रवण विचार करियो काल ने कोई कोनी एड़ो कोई ओ कोई भंडो होई सके हां जन दूसरे दिन श्रवण है जो चतुराई है जो काम करियो दूजे दिन श्रवण ऐसी अकल उपाई है जो ही बात थाड़ियां पुस करके मां बड़ी और आपकी पुसोड़ी थाली श्रवण के पिता ने जलाई है और पिता वाली थाली श्रवण आप सरकाई है बा धीरे से थाली जी उठा कर आप आगे मिली आप थाली पिताजी आगे रखी और मारियो शबड़ को जोर हबड़ को लियो खीर बोलावे थोन कह दू खाटी राबड़ी में जो राफो फाट गई मारियो शवड को बट खाटी के राबड़ी लगाई है एर सरवण के जा जाई हत्यारी नार एर तेरी कटुलाई है एर अंधा मायर बाप जगन ते राबड़ी खिलाई है एर तू क्यों पावेगी करनी का फल जैसी ते कमाई है जैसी ते कमाई करी है पिसो तने है जो फल जरूर मिली क्यों जान पड़ी अनजान में जानता था कर तू अनजान में पड़ गई क्यों जान पड़ी अनजान में के तेरा क्रिया कर्म सब आगे क्योंकि वो परमात्मा सबरो लेखो लई एक भजन में है जो कबीर साहब लिखियो है कि तेरो ईश्वर लेखो जंतर लेसी फरक चले नहीं राई को परमात्मा रे दरबार आगे एक राई मा तेरी फरक चले कोनी महाराज कहे तू लिखे छोने तू करे छोने छोने अरे वो लिखेला पता ऊपर ले हेडिंग हेडिंग में लिखी थारा ए जगह कर्म करे जगह पच दौर हुई क्यों जान पड़ी के अनजान में तेरा क्रिया कर्म सब आगे अरे श्रवण सा बेटा संसार में कोई हुआ ना उसी आगे तो श्रवण कह तुम भी दिन उतावली पड़ी के मारा पीरे जाऊं आज हूं तने जगो इनकार कर हाल तन पोचा रहा तो श्रवण आपकी स्त्री ने प्यूर पहुंचावे है और जकी बची जिंदगी है जकी श्रवण कह मैं मारा माता पिता की सेवा करूं पश्चाताप करूं कोइटा मारो है जगो फर्ज उतरे तो अठे कवि कहीं लिखे और कहीं बात बने है आभार क्या हो सर
अरे तू चाले तो चाल रे देऊ तने गाले पीवरे पोचाइए पीवरे पोचाई जी महाराज यो पीवरे पोचाई ए जी पीवरी पोचाई वो बड़े तो करूँ अंधोरी आसेव बड़े तो जी महाराज की श्रवण भी निके तू चाले तो चाल और देऊ तने गाल और पीवर पोचाई एर में करूंला अंधोरी सेव और बने सोसाई एर तूने कीना है मोटा पाप इन मोटो बड़ बेसी इस महाराज पाप कोई भाई तूने कीना है मोटा पाप के अंधा है पितु मात और सताया ते नारी एर तू ई करनी रा भोग भोगले प्यारी तने ई करनी रही क्यों भोग जरूर भोगना पड़े माने पीवर दिया है पहुंचाई श्रवण आपकी स्त्री ने जो को पीवर पहुंचा दिया है और महाराज आकर के और एक खाती सुतार रहे घर में एक कावड़ बनाई है अरे मुलायम बाजार में ओडिया ला और मात पिता ने बा ओडिया रे मां बैठा और कावड़ बा कंधे रे माथे ऊंच और उबराने कगा और श्रवण है जो को तिरथरी श्रुत लगाई है अरे वारी बेटा वे तो महाराज एड़ा वे नहीं तो बस यूं ही जरे रवा जननी जनी तू भगत जन का दाता के सूर एर का रे जाई जी बजबांदड़ी क्यों कमावे नूर महाराज क्यों एड़ा न खातर बस खोटी हुए तो कहे है सरवण पेलो तीर्थ है जगो हरिद्वार रो करे है अरे और कोई कहे देखो अरे वरे देबू देबू फेंके थन खेद न उखले जोई
ओ हरिद्वार से और पार के ऋषिकेश में गोता लाया। ए हरिद्वार से और पार के ऋषिकेश में गोता लाया। आताया बदरी काया बदरी भागी रखा दिया बनाम। अरे चारू धाम धाम कियो से मम दियो मान बड़ा। हरिद्वार से के होया पर
अरे वो ऋषिकेश में गोता लाया और के गया बद्री काया सुद्री बट भागीरथ का किया स्नान। भागीरथी माँ गंगा रो स्नान कियो और चारों धाम तमाम किया। श्रवण है जो चारों धामा रो है जो स्नान करा माता पिता ने और वापिस बसु में जो आवे है भी टेम रे बा। श्रवण विचार करे हम आप आयो है के अयोध्या रे मा मारे माता री एज की जन्मभूमि है और माता सरयू नदी रो यो ने जो स्नान करा करके और फिर मैं जो मिथिलापुर है जो जाऊंगा। तो इन्हें बीच में श्रवण जुई है जो मिथिलापुर में आवे और बी टेम रे मा महाराज श्रवण रा माता पिता श्रवण ने के बोले रे बेटा मोने जो को प्यास लगी है और पानी पिला। तो वे माता पिता कहीं कहे ओ बेटा श्रवण ओ पानी दो पिला। अरे बन में बेटा प्यासी लगी सरवणी पानी तो पिला। ये बन में बेटा प्यासे लगी ओ बन में दादा प्यासी लगी।
बोली भक्त वस्त्र भगवान की, भूमिया जी महाराज की जय हो। सर्वणरा माता पिता के लिए बोले, रे बेटा मने जो पानी पिला बड़ी भारी प्यास लगी है। सर्वण के बोले, माँ आठ नेड़ो नेड़ो कोई कुओ बगीचो बावड़ी दिखी तो कौन पानी कठो लाऊ। तो सर्वण ऊंचो चढ़ करके देखे, बा कावड़ है जगी माता पिता है जगी वृक्ष में टांग करके और पर्यों लिखे करे तो दिखे दूर सो बुगला उड़े है। सर्वण विचार करे जटे बुगला उड़े है, बट हो सके पक्षी उड़े, बट हमारा तो कोई न कोई जल रो जलाशय जरूर है। और इन्हें सर्वण माता पिता री आज्ञा मान करके और जारी लेकर के बठो रवाना हुए। और इन्हें अवधपति कौन चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ और शिकार खेलने वास्ते जावे। तो अठे कवि लिखे कुचामणी छंद लिखे है और कवि कहे, अवधपति यूं कह रहा और आया नहीं श्रवण कुमार, मेरे तो कोई लाद नहीं उस लाद को ले बिना लाल के सुनो लगे और ये बाग और बहार पुत्री के वियोग में दशरथ खेलन गया शिकार। अरे सुबह ओ सेती शाम हो आई, सुबह रे सेती शाम हो आई, अरे राजा शेर वो शिकार नहीं पाई, एक ताल भया रुक जा रे सरवण सुत सरवण सुत लाल हमारे रे चाचे को नीर पिला रे सरवण सुत लाल हमारे वो चाचे को नीर पिला। बोले भक्तोर भगवान की, अवधपति यूं कह रहा कि आया नहीं सरवण कुमार और मेरे तो कोई लाल नहीं के उस लाल को लूं निहाल। राजा दशरथ मन में विचार करे के मारा तो कोई पुत्र है नहीं, जितेंद्र जी महाराज रे कोई औलाद ही नहीं, और श्रवण भाण जो आया जाया कर तो अगर जे वो आओ तो कोई विचार कर तो भी श्रवण आयो है वो भी नहीं आयो है। तो बिना लाल के सुनो लगे के ये बाग और बहार, पुत्र के वियोग में दशरथ खेलने गया शिकार। राजा दशरथ पुत्र रे वियोग रे मा चिंता हुई, जन शिकार खेलने वास्ते जावे तो सुबह उन शाम हुए बाकी कोई इतरे हुए जो हमारा शिकार नहीं मिले। सुबह सेती के शाम हो आई, अरे राजा शेर शिकार नहीं पाई, अरे एक ताल भरिया रुक जा रही श्रवण सुत लाल हमारी के प्यासे को नींद खिला रही। तो इन्हें राजा एक दरखत्री ओट लेकर के और दशरथ जी महाराज खड़ा रहे। राम जी महाराज, राम जी महाराज, राम जी महाराज,
हाँ थोड़ी चाय तो पी लू बाबू साहब, मैं तो बाद थोड़ो थोड़ो की और है। तो इन्हें राजा दशरथ एक पक्षी ओट लेकर के और खड़ा रहे, भाई रात्रि समय में कोई पक्षी तालाब रे मत है पानी पीने आई, जन मारी है जिकी जरूर शिकार करूं। तो कवि काई लिखे एक वृक्ष की ओट में और दशरथ खड़ा था सिंह की तलाश में। सरवण चला लेने को जल तो ले कमंडल हाथ में, बी टेमरे मा मैं अंधियारी रात ही। तो कवि लिखे गन गोर काली रेण थी और पते पीछे थे पावे में, पैर की आवाज सुन राजा बाण उठा लियो हाथ में। अरे दशरथ सोचा सिंह कोई आया, ये राजा सोचा सिंह कोई आया, भक्तों भगवान की जय हो। एक वृक्ष की ओट में और के दशरथ खड़ा था सिंह की तलाश में, अरे श्रवण चला लेने को जल वो ले कमंडल हाथ में। अरे बीते मरमा में अंधियारी रात, कवि लिखे के घन गौर काली रेण थी और पते पीछे थे पांव में, दर को तरा पता उड़ उड़ करके बैठे जमीन रे माथे जो पलुड़ा सुक्ष्म जी। और जुई वा पगोरी आवाज आई और दशरथ विचार करे कोई पशु पक्षी आवे है, पैर की आवाज सुन और के राजा बाण उठा लियो हाथ में। बात भाई दशरथ सोचा के सिंह कोई आया और राजा ने झट बाण चलाया। दशरथ जो शब्द रेदी बाण है राजा महाराजा शब्द आधार ने माथे बाण चलाया करता, आप तो बाण है जगह अभिमंत्रित करके और दशरथ को चलावे बाण शब्द रेदी है जाकर के वो श्रवण रे लागे है। राजा सोचा के सिंह कोई आया, अरे राजा ने झट बाण चलाया, अरे जा वो हरदे तीर लग जा रही के श्रवण सुतलाल हमारी प्यासी को नीर पिला रहे। तो दशरथ रो शब्द रेदी बाण जुई है जो श्रवण दे लागे है, अरे कवि काई लिखियो है
तीर सीना तीर के और काल बन के खा गया हाय हाय आवाज सुन राजा दशरथ वहां पर आ गया बट देख के श्रवण को राजा और फूल जू कुमला गया आय मेरे आत से मेरा ही सुत मारा गया तो दशरथ भी जगह कह अरे पहले मैं पुत्र दुखिया रो अरे तू ते लाल रे पारायो देखो मारो सरवण सुत लाल हमारे सरवण सुत लाल हमारे रे जाते को वीर बिरारे सरवण सुत लाल हमारे वो जाते को जगो शर्म ले जाकर के और सबसे सिनेर मा लागे तीर सीना तीर के और के काल बन के खा गया वो तीर शर्म लिए जगो कालो तीर सीना तीर के और के काल बन के खा गया अरे हाय हाय आवाज सुन और राजा दशरथ वहां पर आ गया दशरथ की हाय हाय री शर्म दी पुकार सुनी दशरथ और दशरथ विचार करे कोई मनुष्य है और दशरथ बड़ा तुरंत आवे और आगे देखे जन महाराज श्रवण और के देख के श्रवण को राजा और फूल जो कुमला गया अरे हाय मेरे हाथ से और मेरा ही सुत मारा गया दशरथ विचार करे मन में के पहले मैं पुत्र दुखिया रो पहले तुम्हारे औलाद कोनी और दूजे ओ लाल परायो मारियो अरे उठ लाल गले लग जा रे श्रवण सुत लाल हमारी के प्यासे को नींद खिला रे दशरथ तेरे आंखें वाला मुंह है तो आंसुड़ा चाले है और इन्हें श्रवण को तीर लागूड़ो है और आपने मामे ने बिरज बदावे है बोले मामा ले लो चाहे ले लो कोई बात नहीं